हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी, कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है। और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा किस तरीके से जासूसी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको राष्ट्रीय टीवी पर दिखाएं और लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग, इन लोगों को पहचान करके बताएं किस डिपार्टमेंट के, किस खुफिया एजेंसी के ये लोग अधिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी। प्रजातांत्रिक देश में एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है? और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी। और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है? देखिए, अगर केंद्र के नहीं होंगे ना तो रात तक पुलिस इनके चेहरे आइडेंटिफाई करके बता देगी कि ये फलां गैंग के छुटभैये नेता हैं या ये फलां पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं। इन लोगों के बारे में केंद्र सरकार मुंह पे जिप लगा के ताला लगाए रखेगी। 3-4 लोग, बल्कि 7 लोग जिनके चेहरे मैंने पूरे सामने